एक बार भाभी रात को लगे तो भाभी की ऐसी बंदिश कर देता हूँ कि भाभी सदा मेरे घर के पास फिरना। क्या हुआ बोले तो वंस मोर बोलना खाली। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाजा भाई। वालेकुम सलाम। है और खाजा भाई तबीयत मिजाज अल्लाह का एहसान। जी। खाजा भाई एक मसला आप सोशल मीडिया पे बहुत दबा के चल रहा। क्या भाई, आपकी उसमें कोई व्यू नहीं आया, आपका कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आया, ये एक भाभी की बंदिश बोल के चल रहा। हाँ। आप हंस रहे हैं आप, इसका मतलब आप सुने ये बात मैं सुना एक जगह खा की जी। उनकी एक भाभी कहते 16 कीड़े 16 लिम्बुआ बोल के बोले थे, जी आओ सास्ते हंसी आई मेरे को। वो जी नो बंदिश करते करते फोटो लिए तो नो करतूत करते, तो ये रियलिटी में कुछ है या फिर ये लोग कर सकते, या आप लोग इन लोगों के ऊपर आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या आवाज उठाएंगे लोगों के ऊपर। और भाभी का जो है, मैं सुना रिकॉर्डिंग वो कहीं फेसबुक वगैरह पे कोई जो है जी डाले थे, या किसी के कोई कोई बच्चा कोई आदमी कोई इनसे बात करा था, वो सुना मैं। जी जी उसके अंदर भाभी बोल रहे हैं 16 कीले 16 लिम्बुआ लाओ बोले तो, इतना मेरे को याद है। तो जी जी जब मैं सोचा, मैं बोला इन्हें लींबू कीले लेके क्या करते होंगे बोल के सोचा था। अब जब तक रही बात, उन्होंने बार बार बोल रहे थे कि फोटो भेजा तेरी, तेरा ऐसा काम करती हूँ, ऐसी बंदिश करती हूँ तेरी, वो तेरे जो है क्या कि हाथा पैरा गिर जाना बोले गए थे। पागल हो जाना बोले उन्होंने, हाँ, पागल हो जाना बोले गए थे। तो ये हकीकत में कर सकते ऐसा? तो मैं सोचा, मैं बोला गूगल में ख्वाजा बिलाल अहमद मारे तो 150 200 फोटो निकलते। अल्लाह, इससे कुछ हो सकता है क्या बोल के सोचा भाई। फिर मैं बोला अनको भाभी के हाथ को फोटो लग जाएगी, अल्लाह क्या करी ये। फिर सोचा, तो आप डर गए अब कैसे? फिर डरा नहीं, फिर मैं सोचा कीले, अरे बोला हमारे पास तो पुराने बम्बई कीले बड़े बड़े रहते, देखो हम लोग वो कीले लेके फिरते। और मैं बोला एक बार भाभी रात को लगे तो भाभी की ऐसी बंदिश कर देता हूँ कि भाभी सदा मेरे घर के पास फिरना। क्या हुआ बोले तो वंस मोर बोलना खाली। क्या है भाई, फोटवा होना कहते। अच्छा, मेरे को उनकी वो बात सुनी तो याद आया, जी 16 लिम्बुआ बोले कहते। मैं बोला मेरे 2 लिम्बुओं से काम चला लेना भाभी खाली। क्या है, तमाशे करके रही है भाई, कीले कीले कहते। तो मतलब फोटो से कुछ हो सकता है क्या बोल के मैं भी सोचा भाई, सोच जी के डर गया। फिर मैं बोला आइले ख्वाजा बिलाल अहमद बोल के गूगल पे मारे, जियो 1.5 2 हजार फोटवा निकलते। जियो उससे ज्यादा ही मतलब निकलते आए हैं। हैं, हाँ मतलब वो लेके कर देंगे, फिर मैं भी रोड पे दीवाना होके फिरूंगा। मैं भी बोल के दिल में मैं भी सोचा। फिर मैं बोला कीले लेके क्या करते भाई लोग, जान अब ये पागल हो गए, पीछे कहाँ आवाज उठाएंगे भाई। नहीं मगर ये जो है समाज में ये बहुत बुरा चल रहा है, करतूतों का लोग आजकल अंधविश्वास में जाके ये करतूता कराना, और ज्यादातर मुसलमान लोग ईमान ही हैं ईमान की कमजोरी जो है इंसान को कुफ्र की तरफ लेके जाती। जी जिस इंसान का ईमान मजबूत होता ना, जी जी वो ईमान वाला मुसलमान ये शैतानों से नहीं डरता, और बिलीफ नहीं करता इन चीजों पे बिल्कुल, बल्कि शैतान इन लोगों से डरता। जी। मेरे को अच्छा सा याद है, हैदराबाद में एक मर्तबा उनकी एक साहब जो है इसी किस्म के, उनकी एक नागिन भाभी बोल के चला था। जियो जियो तो सदर साहब एक बार तकरीर में बोले थे कि जी मेरे को भी बहुत वजीफे आते हैं, एक वजीफा मैं पढ़ा तो तुम्हारी हालत खराब हो जाना बोले थे। सदर साहब बोले थे वो बात, तो मेरे फिर को वो बात अच्छे भाभी से पलट याद के है कुछ भी उनकी। ऐसा रिएक्शन नहीं दिया या कुछ सदर साहब पे ऐसा कुछ करे नहीं समथिंग? वो तो देखो, अब फोटो से कुछ होता तो असदुद्दीन अवैसी साहब की 1.5 2 लाख फोटो 2 करोड़ फोटो है उनकी, बेशक बेशक हर बच्चे के साथ उनकी फोटो है। जियो। क्या ईमानी कमजोरी बाता दीवार ये बात पे पे। मेरे को एक और एक बात याद आई, वो सुदर्शन टीवी का जो मुंबई का एंकर है वो एक कुछ ऐसा वीडियो विजुअल्स बता रहा था, हम इन पे अकबर साहब पे ये कर देंगे, असद साहब पे वो कर देंगे, फिर बाद में वो आया उनका कुछ सितारे भारी है, ये बेकारी की चीज है, ये होने वा जाने वाले नहीं। नहीं, ये मुसलमान और जिनका ईमान जो है पुख्ता होता और जिनका ईमान मजबूत होता ना भाई, उन्हों ये सब चीजों में मुलव्वस नहीं होता। उन्हें जो है अल्लाह की बताई हुई राह पे चलता जी और उसी राह को फॉलो करता। और मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर अपने को कुछ बोलने की, कुछ बताने की, कुछ करने की जरूरत है। कानूनी कार्रवाई कानूनी कार्रवाई यकीनन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई जो है उनका विक्टिम होना, विक्टिम होना जरूरी है
उनका कोई विक्टिम अपने हाथ को अगर मिल गया ना, जी उन्होंने इस किस्म से धोखा दिए या ऐसा करे वैसा करे हो, तो अपन लेके जाके उसको लेके जाके सीपी करने बैठ के, डीसीपी करने बैठ के केसेस बुक करा के मोहतरमा जी की जो है हालत जो है ढीली कर सकते तो हैं। फिर उन्होंने 30,000 चार्ज कर रहे हैं, 25,000 चार्ज करते हैं, बता रहे हैं 10,000, तो ये फ्रॉड ही है एक माने में। भाई मैं तो फ्री में चार्ज कर देता हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ भाई 30-20 की जरूरत ही नहीं है मेरे को। अब मैं क्या बोलू, जान दो आप, मेरे से आप कुछ और गलत सुन लीजिए, उससे पहले मैं बोल रख देना चाह रहा हूँ। ओके सर, अल्लाह थैंक यू सर, थैंक यू, सॉरी। हाफिज। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए।